اس سے پہلے کہ شہزادی ہمیں کسی کام میں مصروف کر دیں ہم اپنے گلگلے کو لے کر یہاں سے فوراً نکل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، گستاخی معاف، پر شہزادی غصے میں ٹمٹمائی ہوئی درگاہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ آپ کے دیر کے چکر میں مجھے بیر کھانے پڑ جائیں گے، وہ بھی زہریلے۔ وہ ایسا میں نہیں، شہزادی نے کہا تھا وزیر اعلیٰ، میرے موت کا ذمہ آپ اپنے سر مت لیجیے وزیر اعلیٰ۔ چلیے نا وزیر اعلیٰ، چلیے نا، خدا کے لیے چلیے وزیر اعلیٰ، چلیے نا، چلیے نا، خدا کے لیے چلیے نا وزیر اعلیٰ۔ گل بدن، ہماری بات سمجھو تم۔ اب ہولی کی باری، پہلے ہمیں جینو کو کھانے پینے سے دور رکھنا ہوگا۔ اور یہ کام جینی میں نہیں کرے گی۔ سارا جی، آپ یہاں؟ جی، وہ جنید جی، مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ میری مدد کریں گے نا؟ آپ کی مدد؟ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، بس بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لوں، ایک بار پیٹ بھر جائے پھر میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ویسے کس سلسلے میں آپ کو مدد چاہیے؟ درگاہ میں جو جشن ہوگا اس کی سجاوٹ کے لیے۔ چلیے 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 چلیے۔ ہماری عمر میں زیادہ دیر تک بھوکا رہنا بہت مشکل ہے، آجا پیارے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے اور یہ شہزادی ہیں کہ ہمیں کچھ بتا ہی نہیں گئی۔ خام خواب اب پر بات کرنے پہ دلی ہیں، اب بتا دیں کیا کام ہے، ہمیں بھی تو سون مینار پہنچنا ہے۔ پہلے ہم تیرا وقت پر بات کریں گے، پھر تجھے برباد کریں گے۔ انگوٹھی چاپ کی انگوٹھی کی نظر پوری درگاہ پر ہے، اور خاص کر تجھ پر کمو، آج تو کہیں نہیں جائے گی۔ جی جی شہزادی، فرمائیے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے۔ سچ کا سامنا، آئی موقع پر ہر سال عوام درگاہ پر آتی ہے، جانے انجانے میں ہوئی ان کی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے، دعا کرتی ہے اللہ سے، اور اس سال بھی بغداد کی عوام یہاں آئے گی، دعا کرے گی، لیکن اپنے وزیر اعلیٰ کی رہنمائی میں۔ مطلب یہ وزیر اعلیٰ کہ آپ اتنے بوڑھے، ہمارا مطلب کہ تجربے دار ہے، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ عوام آئے آپ کے سامنے، ان کی غلطیاں بتائے اور پھر آپ انہیں سنیں، اور پھر انہیں بتائیں کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے بالکل ٹھیک کیا نا وزیر اعلیٰ؟ ٹھیک نہیں شہزادی،
ये तो आपने बेहतरीन काम किया है। जिंदगी भर बुरे काम करने वाली कम्मों को आज पता चलेगा कि एक आम इंसान के दिल पर छोटी सी चोट कितनी बड़ी बोझ बन जाती है। अब देखते हैं ये बेकार, मेरा मतलब है कि तजुर्बेदार, उन सबसे क्या कहता है, देखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? आपको कुछ कहना नहीं है, आप बस सुनिएगा। अपनी आवाम आपको अपनी गलतियां बताएगी तो आप बस सुनिएगा और उनके माफीनामे ले लीजिए और बस उन्हें ये यकीन दिलाइए कि ऊपर वाला उन्हें माफ कर देगा और उनकी दुआ कबूल करेगा और फिर वो सारे माफीनामे लेकर हम मजार में जमा करवा देंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ बहुत बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन आप हमारे साथ नहीं। नहीं, दरअसल गुनहगार हमसे अक्सर सच छुपाते हैं, आपको तो पता ही होगा। हमारा मतलब है कि हमें देखकर वो घबरा जाएंगे, लेकिन आपके सामने सब खुल के कह पाएंगे। बेशक। बगदाद की आवाम के लिए, हमारे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना वजीर आला। अब तो तू इस तंग तख्त पर घंटों बैठेगी जब तक तेरा जिस्म अकड़ नहीं जाता। आदत डाल ले, अब ऐसे पापड़ तुझे रोज बेलने हैं। और रहा राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का सवाल, तो तू भूल जा, तू तो काम से जाएगा और मेरा जिनू वापस आएगा। आगा, आ गया, आ गया। जिनी मिनी के साथ अपनी बोली दरगाह आ गई। सब दिख रहा है और उनकी हर हरकत पर नजर रखो। जो मेरे आका। सारा जी, जी ये तो दुल्हन आने से पहले निकाह पढ़ लिया क्या? निकाह, दुल्हन, मैं और कौन? मेरे आने से पहले ही ये देखिए दरगाह तो पूरी तरह से तैयार है, अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, जरूरत है। ये तो सिर्फ आधी दरगाह सची है, बची कुची तो आप सजाएंगे, है ना? अच्छा जी, कोरमा। खाना, मैं आ रहा हूँ। खाना, खाना। नहीं 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 सारा जी, अभी मत रोकिए, वक्त की नजाकत को समझिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। खाना, रुकिए। खाना। आका, खाने की खुशबू की डोर बोली नाम की पतंग को अपनी ओर खींच रही है। करना पड़ेगा। अंगूठी छाप, मैं जाकर भोले को संभालता हूँ, तुम्हारी नजर संतूर से हटनी नहीं चाहिए। ये लो। जी क्या कर, जाइए। दुआ के सामान की एक टोकरी देना। सारा माल खत्म हो गया है, कल आना। क्या सामान खत्म हो गया है? तो ये सब क्या है? सुन रहे हैं हम, एक टोकरी दीजिए। सुनिए, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे। ऐसे बहरों को सुनाना मुझे खूब आता है। ए, टोकरी दो। अरे सुना नहीं क्या, टोकरी दो। अरे बोला ना मिया, माल खत्म हो गया है, कल आना, जाओ यहाँ से, जाओ। सामान खत्म हो गया? सामान खत्म हो गया? हाँ। ये क्या रखा सामान? भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है, भूख लगी खाना। जुनैद जी, आप जानते हैं चांद चंगेजी ने मुझसे क्या कहा? अरे क्या कहा? चांद चंगेजी ने मुझसे कहा कि वो दरगाह की सजावट मुझसे बेहतर और मुझसे पहले कर देगा, लेकिन मैंने तो उसे कह दिया कि दरगाह की सजावट में अगर
जनेह जी मेरे साथ हो तो मेरे हारने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है ना जनेह जी। अरे जो भी हो लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, भूख लगी है। और मुझे बुरा लग रहा है, मुकाबले में उतरने से पहले ही मैं हार गई। अरे लेकिन मुझे खाना खाना है, खाना 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 खाना। आपकी जिंदगी में सब कुछ बस खाना ही है, मैं कुछ नहीं। सारा जी आप मेरी जिंदगी में क्या लगती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरी बात समझिए, बहुत ही नाजुक घड़ी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मैं जा रहा हूँ, खाना 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 है मुझे खाना। होली तो खाने के पीछे पड़ गई है। जुनैद जी तो आप जानते हैं मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने ना रोजाए माफी रखा है, आप भी मेरे साथ रोजाए माफी रखिए ना। नहीं 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 मैं रोजा नहीं रख सकता क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। चिनी मिनी चिनी मिनी उससे बोलोगी अगर उसकी दोस्ती और प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारे साथ रोजा रखेगी, जल्दी बोलो। चले जी अगर आपकी दोस्ती और आपका प्यार सच्चा है तो आप रुक जाइए। प्यार ये दोनों चढ़ाएंगे पारा मेरा। सारा जी ये क्या है? हमारी भोली चलो ठीक है भोंदू है, लेकिन हमारी चीनी मिनी वो तो मछली है ना, वो क्यों उसकी आंखों में डूबी जा रही है? आका यही प्यार है, मेरे भाई लगता है इन दोनों को देखकर तुम्हें अपनी नचड़ी की याद आ रही है। अरे नचड़ी तुम शहजादी मेरी टांग खींचोगे तो तुम्हारी टांग तो खींचना बनता है ना। मैं सारा जी को देखते ही कंजे सर पे गिरे हुए तेल की तरह फिसलने लगता हूँ, पर आज मुझे संभलना होगा। आज मुझे सिर्फ बर्फीले तूफान से बच के राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के बारे में ही सोचना है। मैं आपकी मदद करूँगा। सच? मुझ? आज आप भी खाना खाएंगी और मैं भी खाना खाऊंगा। क्या? खाना 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 पाक दिन है और तुम गुंडागर्दी कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? पुलक्कड़ मियां सफर को परेशान करने की तैयारी और क्या? नकचड़ी गुर्रा क्यों रहे हो? तुमने तो पूछा हमसे क्या हो रहा है। शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अंगूठी छाप से पूछ रहा हूँ। अंगूठी छाप वजीर आला आप सभी का अंदर इंतजार कर रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो आप सभी इत्मीनान से अपने दिल का बोझ उतारिए ठीक है, और अंदर जाने से पहले ये माफीनामा भर के जाइएगा। आइए था लोग मंजिल को हासिल करने के लिए कांटों पर से गुजरते हैं, और हमारी किस्मत में तो ये कमर तोड़ कुर्सी आनी थी। वजीर आला
मेरी बीवी बड़ी बातूनी थी, मैं उसकी बातों से बहुत खप चुका था, इसीलिए मैंने मैंने उसे हकीम की दी हुई दवा दूध में डालकर पिला दी। अब वो जब भी मुंह खोलती है कौवे की तरह कांव कांव करती है। फिर मैं उसकी बातों के लिए तरसने लगा तो बाहर पड़ोस की शबनम से बातें करने लगा। थोड़े दिनों बाद मैं उसकी बातों से भी खप चुका था, इसीलिए मैंने मैंने उसे भी दवा दूध में डालकर पिला दी। फिर वो जब भी मुंह खोलती है कौवे की तरह आवाज करती थी। चलो अपना माफीनामा वहां जमा करो और दफा हो जाओ। बेगम समझाइए इसको। बेगम क्या समझाएंगे? रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? सूबेदार साहब, ये दुकानदार दुआ के सामान की टोकरी देने से इंकार कर रहा था। दुकान भरी हुई है और ये कहता है सामान खत्म हो गया। लगता है इस बुजुर्ग की आंखें कमजोर हो गई है। बड़े मौलवी साहब ने तुम्हें याद किया है, जाओ जल्दी। बड़े मौलवी? हाँ। अच्छा अच्छा, टोकरी दे देना। हाँ दे दूंगा दे दूंगा, बुजुर्ग है ना। ये लीजिए, आप मुफ्त में ले जाइए, जाइए जाइए, दुआ पढ़िए जाइए, और आप लोग भी जाइए, अपना अपना काम कीजिए, जाइए। नहीं भोली, जलेबी मत खाना, मत खाना। मुकाबले में बिना उतरे हारी हुई बेचारी बदनसीब लड़की, और कौन? अरे ये सब नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे धक्का दिया था, कौन था, कौन था वो? मैंने, और अगर भूखे से पगलाए मेरे भाई को ये बात पता चल गई तो वो मुझे आटे की तरह कूट देगा। हमने अपने तरफ की दरगाह सजा दी, और हाँ आपको बड़ा नाश था ना अपने जुनैद जी पर। कहाँ है वो? बुलाओ बुलाओ अपने जुनैद जी को, देख लेंगे। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे आगे, मेरा मतलब तुम्हारे पीछे। सारा जी एक काम करते, खाना बाद में, मेरा मतलब ये जलेबी दूर, पहले मैं आपको जिताऊंगा, इसको हराऊंगा। शाबाश चाचा, 1.5 साल का तजुर्बा आज काम आया। अच्छा अब तुम दोनों भोली पर नजर रखना, मैं बुल्लू के पास जाता हूँ, फुंदरू पर देखता हूँ कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। ठीक है आका, शाबाश चाचा। मेरा दिल एक सस्ती चप्पल जैसा हो गया है हुजूर, इश्क में 2 कदम चलते ही टूट जाता है। जब भी किसी मर्द को देखते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि
उसकी कलाई की एक नस काट दे। आप भी तो एक मर्द ही है ना वज़ीरे आला। इस वक्त आप यूं समझ लीजिए कि हम आपकी चची जान, आपकी खाला जान, आपकी अम्मी जान की तरह हैं। वज़ीरे आला, कम्मू को इस हालत में देख कर ना वाकई बहुत मजेदार है। हाँ भाई मेरे भाई, लेकिन कब तक? माफीनामा देने वाले लोग तो खत्म हो गए, अब शहजादी उसे कैसे रोकेगी? हाँ? माफीनामा देने के लिए कोई नहीं बचा। हाँ काली चोर, ये आखिरी लड़की है। काशी खूब देर लगा कर आए, आराम से आए ताकि तब तक हम कुछ सोच ले। शायद आप जो कहना चाहती थी वो कह चुकी हैं, अब आप चलें। अरे आप रुकिए, काली चोरी तो चली गई, अब हम क्या करेंगे? हाँ रक्षणी, मैं देख रहा हूँ। शुक्र है शैतान का कि इन पागलों से पीछा छूटा हमारा। कसम खुदा के, क्या क्या सुनने में आया कि कानों से हवा निकल गई हमारी। जाके अपने गुलगुले को ढूंढना चाहिए और रवाना होना चाहिए राज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए।